एक बार बता खिड़की पे आ जाओगे, सब लोग इधर वेट करेंगे, देखो तबाही होगा अब तो। बाबू भैया कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिए? भाई हमजा का मैनेजमेंट वाज टॉप नॉच। मुजफ्फरपुर से कितने लोग आए हैं? स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube के दुकान। तो आज अपने YouTube के दुकान पे बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियाँ तो पीछे खड़ी है द वन एंड ओनली बाबू भैया इंडिया 2। इधर खड़ी BMW 1000 RR और ये रहा कार UK07 राइडर। तो अभी है अपने शहर मुजफ्फरपुर में। तो भैया देखो बाबू भैया अपने शहर मुजफ्फरपुर में और आपके हमजा भैया स्वागत न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज है इधर मीटअप। तो भाई साहब फाइनली इस वक्त 2:30 बज चुके हैं और अब वक्त हो चला निकलने का। सब लोगों ने जूता पहन लिया, अभी यहाँ पे बहुत सारा जूता था। तो भाई लोग आ गए हैं पटना से, वाह क्या बात है पटना वाले भाई। हेलो हेलो भाई, लगता है आज पूरा का पूरा गली जाम हो जाएगा भाई साहब, लोग इतना ज्यादा यहाँ पे आ गए अपने ऑफिस के पास। तो अभी सबको ये बोल रहा हूँ कि गाड़ी सब लोग गाड़ी उधर लगा लेते हैं रोड पे। वाह कांग्रेचुलेशन। तो भाई साहब हमको लगता है जब ये वीडियो आ रहा होगा तो मेरा 10,000 हो चुका होगा, है ना? क्या बोलते हो? तो बस थोड़ा सा बचा हो जाएगा, थोड़ा सा। एक चीज मैं दिखाता हूँ, देखो अजीरा एजुकेशन कंसल्टेंसी वाला सारे भाई लोगों ने टी शर्ट पहना, ये वो लोग है जो अपने लोग है ताकि वहाँ पे पहचान में आ पाए, वरना इतनी ज्यादा भीड़ होगी ना वहाँ कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा। आप हमारे साथ में रहिएगा ना भाई, टेंशन क्यों है। चलो गाइस चलो आराम से। तो फाइनली मुजफ्फरपुर की पब्लिक कसम से भाई एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतने सारे लोग, कैसे नहीं एक्सपेक्ट किए थे, बहुत एक्सपेक्ट किए थे, मतलब हमें तो ये कमी लग रहा है भाई, बाबू भैया का मीटअप है। सो गाइस अभी कॉल आया था कि भाई साहब ब्लू डायमंड रिजॉर्ट पे पुलिस आ गई है, इतना ज्यादा भीड़ है वहाँ पे कि पुलिस आ गई है। एक मिनट है, हम रास्ते में ही है भाई, बस हम पहुंच ही रहे हैं, 5 मिनट में हम होटल पे हैं, बस 5 मिनट में। और यहाँ पे आप क्या हाल है भाई? हाँ भाई मैं बाहर ही हूँ भाई। क्या हाल है? किधर? आप हो किधर? एक मिनट, मैं रूम में ही आ रहा हूँ, सीधा रूम में ही आ रहा हूँ। देखिए आप जस्ट कॉल आ रहे हैं। रूम बुकिंग है? अरे भैया अरे सुबह सर हम ही आके सारे चीज यहाँ पे अरेंज कराए ना, हम ही यहाँ पे लाके पहुँचाए। हमजा अरे सुबह में सर हम ही आके यहाँ पे ड्रॉप करके गए उनको। अरे आप लोग उधर ही चलिए, सब लोग देखिए, अगर देखिए भाई अगर कोऑर्डिनेट कीजिए, अरे भाई शांत हो जाओ, अगर कोऑर्डिनेट कीजिएगा तभी मिल पाइएगा, वरना भाई समझ लो भीड़ में कोई नहीं मिल पाएगा, वो चले जाएंगे। कोऑर्डिनेट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, सब लोग आराम से उधर हॉल उधर चलिए। देखिए अगर सच में मिलना है तो कोऑर्डिनेट कीजिए। अरे हम आ रहे, इतना हम बुला रहे भैया, आप लोग रुकिए हम लोग आ रहे। भाई साहब इतना खतरनाक सीन हो रखा है, इतना भयानक है कि भाई जाने नहीं दिया जा रहा है अंदर। भाई कसम से बता रहा हूँ रोजा लगने वाला, इतना चिल्ला रहा हूँ, लोग तो मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। इधर से भाई साहब आधे घंटे भीड़ मतलब शांत कराने के बाद भी नहीं मानी, तो अब बाबू भैया को सीधा ऊपर आके रूम में लेने चले सर। लेट्स गो भाई साहब, बहुत ही खतरनाक हो चुका है सीन, पब्लिक एकदम पागल हो रखी, कोई सुनने को तैयार नहीं है भाई, पब्लिक मानने को तैयार नहीं है भाई। अगर भाई देखो अभी भाई को फोन किया है, भाई एक बार ना बस आप गेट पे आ जाओ, इधर खिड़की वाले पे, सब लोग को इधर मैं खड़ा करा लिया, सब लोग इधर आ जाएंगे, वरना सब बाइक के पास जा रहे हैं। देखो भाई साहब भीड़ चेक करो पूरा, कॉल करके भाई को भी मैंने इधर बुलाया क्योंकि पूरी भीड़ उधर हो चुकी थी। तो अभी वहाँ पे अपने बाबू भैया और ये रहे, मैं ऊपर जा रहा हूँ, बाकी सारे भीड़ इधर आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो
भाई साहब मैं भी भीड़ में ही खड़ा हूँ सबके साथ, मीटअप अरेंज करवाया हूँ और सबके साथ यही भीड़ में खड़ा हूँ। भाई बाइक को पूरा घेरा गया है ताकि बाइक को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है भाई, आप लोग एकदम बाइक को सेव करके रखो। जितने भी टी शर्ट में है सबको मिलवाऊंगा, जितने भी हमारे साइड से भाई लोग आए ना सबको मिलवाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो हमारे। मुजफ्फरपुर से कितने लोग आए हैं? बाबू भैया से मिलने भाई साहब। बिहार की जनता क्या हाल चाल? कसम से भाई साहब चिल्ला चिल्ला के पूरा रोजा लग चुका है। भाई साहब आधे घंटे भीड़ मतलब शांत कराने के बाद भी नहीं मानी तो आप बाबू भैया को सीधा ऊपर आके रूम में लेने चले सर। लेट्स गो। सब लोग ना वहाँ पर पहुंच चुके हैं एंड मैं भी बस रेडी होकर के नीचे लोगों से मिलने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम होगा इस बिहार के लोगों से मेरा मिलने का। मैं बता भी नहीं सकता मैं आपको कितना एक्साइटेड हूँ। मैं बस बाहर जा रहा हूँ, लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है। लोग देखो कहाँ चढ़े हुए उधर उधर एंड इधर से चलते हैं। चलो चलिए लेट्स गो। तबाही होगा अब तो। तबाही सीन होने वाले हैं नीचे। भाई सो प्लान ये था कि इधर ऊपर लाने का, बट भीड़ मानने को तैयार नहीं है। अभी रास्ता बना के सीधा वहां स्टेज पे लेके जाना है। कसम से भाई इतना सारे लोग इतने सारा प्यार, तो इतनी गर्मी, रामनवमी, लेकिन भी लोग आए। ये प्यार नहीं तो क्या है? जितने भी लोग देख रहे हो सबको बहुत सारा प्यार। भाई बाबू भैया से मिलने नहीं है क्या आप लोग? अरे अरे हटो हटो भाई, वहां देखो भाई। अरे भाई बाबू भैया भी ऑफिस इधर इधर सबको 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 हेलो हेलो भाई। हेलो कैसे कैसे हैं कैसे क्या हाल है भाई? इधर देखे अंदर भाई ये चेक करो गाइस हमजा भाई, बाबू भैया इन हमजा भैया साउंड। अरे भाई कहाँ से आए हो? आपने बोला था बिहार में कितना पावर है, ले ले लो। आज ये मेरा पहला भाई मीट होगा। मैंने सोचा था कम लोग आएंगे बट ये नहीं पता लगा इसकी इतने। बिहार को भैया ने चैलेंज दिया था। इसलिए हो गया बाबू भैया के लिए हाथ में तो नहीं दे पाओगे, लाओ इसमें दे दो, मैं दे दूंगा। मिलेंगे नहीं तुमसे फोटो यार, मिलने ही पहुंच नहीं हो पा रहा है। भैया 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 भाई तुम लोग के लिए बाबू भैया का मीटअप करा दिया मुजफ्फरपुर में। यार तुम यार लिखो भाई साहब 5:30 हो चुके हैं, रोजा एकदम खतरनाक, फोन भी ऑफ हो गया वाला। इधर देखे क्या भाई, फोटो खिंचाने की हालत में नहीं। उमेश भैया का प्यार देख रहे हो, पटना से चले हैं इतना गर्मी में। भैया मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भाई कसम से। अभी हम लोग जितने भी लोग अपने लोग यहाँ पे रुके हैं, रोजा लग रहा है हमको, बहुत रोजा लग रहा है।
मौका मिलता है तो भाई सब लोग को मिलवाएंगे, हम तो मिल लिए, फोटो भी खिंचा लिए, अब सबको नहीं मिलवा तो सब लोग बोले खाली नहीं, कोशिश कर रहे हैं भैया अंदर ये रुके हैं, अगर पॉसिबल हो तो देखते हैं निकल लेते। थैंक यू सो मच भैया, आप पटना पटना से आए भैया, आपके लिए लेंगे फिर मतलब पूरा सपोर्ट मिलता है भाई की तरफ से, अभी आसाम गए थे तो एक ब्लॉग तो बनता है, पूरा मीटअप संभाला गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ब्रो, लव यू, नहीं हो पाता है मतलब बिना नहीं हो पाता भाई, आई लव यू, जहाँ कलेश वहाँ बिहार ने कितने लोग थे अप्रोक्सीमेटली, आप अंदाजा लगा लो कितने लोग, बाबू भैया ने बिहार वालों को दावा किया था, दावा किया था आपने, मीटअप था बिहार में, चैलेंज दिया था भाई ने, जितने भी लोग थे वॉलंटियर्स में देखो सबको फोटो मिला, सबको मिलवाए, कोई भी बाद में शिकायत नहीं करेगा, और भैया सबसे मिले भी है भाई साहब, फाइनली पूरा मीटअप डन हो गया, बाबू भैया कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिए, भाई हमजा का मैनेजमेंट वाज टॉप नॉच, हमारा 10,000 सब्सक्राइबर हुआ, थैंक यू सो मच, मजा आ गया मिलकर, एक बार गले मिलते ना, कुछ भी होगा मैं उधर ही हूँ, मेरा घर उधर ही है, आप कॉल कीजिएगा जैसा भी कुछ भी होगा, ठीक है, बाय, लव यू, पूरी भीड़ को अगर कोई सही से मैनेज कर रहा था ना तो भैया एकदम अबे हटो हटो हटो, ऑल थैंक्स भैया, आप नहीं होते ना तो हमारे तो आज टाइम डिलीट हो ही गई थी, अरे भाई मेरे में नाड़ा नहीं है, मजाक नहीं मानो, ये देखो भी हमारे उन्नयन भाई जो है मतलब सुबह जब हम होटल पहुंचे ना तो सबसे पहले भाई पहुंचे हुए थे, कलकारी जिस मैनेज किए, और अभी कांग्रेचुलेशन भाई को, नहीं नहीं थार लेके पहले आ ही रहे इधर, कब घुमा रहे हैं गाड़ी पे, जब है ना कभी हम लोग साथ में करेंगे ट्रिप तो चलते हैं आज उनका से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कसम से, महिला सब्सक्राइबर बहुत कम आती है मिलने, अभी हमारी एक महिला सब्सक्राइबर ये कहाँ से आई है, मुजफ्फरपुर से आई है, मुजफ्फरपुर में मिले क्या बात भाई, हाईवे है बाहर है शहर से, कम से कम थैंक यू सो मच, क्या नाम है आपका, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मिलते रहेंगे, ऑल थैंक्स टू ब्लू डायमंड रिजॉर्ट फॉर भाई ऑर्गेनाइजिंग दिस एवरीथिंग भाई, इतना कलेश होना, इतना ज्यादा भीड़ होना, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, नहीं होते तो पता नहीं क्या होता हमारा, सच बता रहे भाई साहब, अभी मतलब सब लोग निकल के, अभी मैं रुका हूँ मधुबनी से, जो हमारे भाई लोग आए ना इन लोग से, भाई गुस्ताखी माफ कीजिएगा भाई, किसी से नहीं मिल पाए सही से, किसी को टाइम नहीं दे पाए, लेकिन मधुबनी यहाँ के स्पेशली टाइम, ये वो लोग है ना जब मतलब मेरे 500-600 सब्सक्राइबर थे तो मधुबनी से आया था भाई लेके मिलने का, थैंक यू सो मच भाई, मधुबनी आके मिलेंगे, भीड़ होना चाहिए कभी भी आइए, है ना, मेरी भाई जो के झारखंड से आए मिलने के लिए, थैंक यू सो मच, एक वीडियो टीम रिजॉर्ट की तरफ से है ना, दलान, सॉरी क्या नाम है, सॉरी गाइस, एक वीडियो भाई साहब सबको बहुत बहुत शुक्रिया ब्लू डायमंड रिजॉर्ट की तरफ से, सबको बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोग नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता, ताली में बेड़ा परोसा खाई गोरी का यार, बलम तरसे रंग बरसे रंग बरसे, so Anji, that's all about today's vlog, I hope you all enjoyed in this video, भाई साहब आप सब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी लोग आए थे ना, आप एक एक लोग की वजह से इतना भीड़ पॉसिबल हो, इतना सारा प्यार पॉसिबल हो पाया, तो तबाही सीन था आज का, तो इफ यू लव मी एंड माई वर्क देन प्लीज कमेंट डाउन समथिंग ग्रेट, इट मैटर्स अ लॉट टू मी बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट एंड योर कमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर देना कमेंट में, 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, और ऐसे ही मिलते हैं तबाही भरे व्लॉग्स में, एक रिक्वेस्ट है कि अगर बिहार से कोई भी यूट्यूबर कहीं ऐसा मीटअप करता है तो ऐसी भीड़ लगनी चाहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इंडियन बाय बाय, टेक केयर, हमजा मुर्तजा साइनिंग ऑफ।